चौथे दिन भी अनंतनाग में सेना का एक्शन जारी। कोकरनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों पर ड्रोन से बड़ा हमला। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों में तबाह होता दिखा आतंकियों के छिपने का ठिकाना। बारामूला में हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकी। भारतीय सेना का बयान, घुसपैठ में मदद के लिए पाकिस्तान की सेना ने की फायरिंग। आतंकवादियों के पास से मिली 5 किलो IED। न्यूज 18 की खबर पर मोहर। 2 दिन पहले दिखाई थी पाकिस्तान की सेना की साजिश की खबर और हमारी तरफ फायर किया। भारत मंडपम के बाद दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और गिफ्ट। कल देश को समर्पित करेंगे यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। 73,000 स्क्वायर मीटर में बने यशोभूमि में बैठक और सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 सितंबर को वाराणसी दौरा। काशी समेत पूरे यूपी को देंगे 1600 करोड़ की सौगात। पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का करेंगे शिलान्यास। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी होगा लोकार्पण। बिहार के मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी रैली। शाह ने नीतीश और लालू प्रसाद पर किया हमला। बोले, INDIA गठबंधन के नेता हर रोज करते हैं रामचरितमानस का अपमान। वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टिकरण। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी की 23 सितंबर को होगी पहली बैठक। कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मीडिया को जानकारी। हैदराबाद में आज से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। सोनिया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता CWC के लिए हैदराबाद पहुंचे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और संगठन पर पार्टी में चर्चा। कल एशिया कप के फाइनल में होगा भारत और श्रीलंका का मुकाबला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के कप्तान ने कहा, हमें अपनी बॉलिंग पर भरोसा। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को हराने का रखते हैं मादा। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए फिर एक बार न्यूज 18 इंडिया पर ही जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।